यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े लॉन्चर लगे हुए हैं जिसके थ्रू एक पिलर को दूसरे पिलर से जोड़ने का काम हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं गाइस, इसको कहते हैं एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना। इसका जीता जागता उदाहरण यही है, मैं यहाँ पर आया था दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अपडेट देने के लिए, लेकिन उसका कुछ मिला नहीं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जो आप देख रहे हैं, ये पिलर्स देख रहे हैं सामने, इस साइड देखेंगे सामने, तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है। और अगर आप इसका प्रिंट मैं हूँ विशाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आज आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 ECC की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा अपडेट नहीं दूंगा इस वीडियो में। मैं अभी हूँ द्वारका सेक्टर 22 की तरफ और मुझे ये दिल्ली मेट्रो का बैरिकेड देखने को मिला है, तो मैं इसी के सहारे जाऊँगा द्वारका सेक्टर 21 तक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 86% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलती रहे। आप मेरे इस साइड देखेंगे सामने, तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है। और अगर आप इसका अपडेट देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो अभी बात करते हैं दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी। लेकिन मैं आपको इसमें इस वीडियो में पूरा अपडेट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको सेक्टर 22 से द्वारका सेक्टर 21 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो लेंथ जो बनने वाली है लगभग 2 किलोमीटर की, ये टोटली मतलब अंडरग्राउंड होगी, तो इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है और वो आपको मैं इस वीडियो में दूँगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। मैं इस टोटल लेंथ की बात करूं दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की, तो ये 22.7 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 15.7 अंडरग्राउंड है और 7 किलोमीटर ये है एलिवेटेड। सो फ्रेंड, इस लाइन को ओपन किया गया था 23 फरवरी 2011 में और उसके बाद 7 जुलाई 2012 में इसे क्लोज कर दिया गया। और इसे क्लोज किस लिए किया गया, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और आपको बता दूं, ये क्लोज इसलिए भी हुआ है कि अभी जो इसकी कुछ न्यूज़ हैं वो आप देख भी रहे होंगे और आपको नेट वगैरह में देखने को मिल भी रही होगी। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि इसे क्लोज क्यों किया गया, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। और सामने आप मेरे ये द्वारका एक्सप्रेस वे का जो पिलर्स का स्ट्रक्चर है वो देख पा रहे हैं, और जो मेट्रो का वर्क है वो अंडरग्राउंड होने वाला है, तो यहाँ दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। और गाइस, इसे रीओपन किया गया था 22 जनवरी 2013 में, और बस यही है इसका फ़िलहाल तक का अपडेट। और अभी देखते हैं आगे कितना काम हुआ है। मैं बता दूँ, द्वारका सेक्टर 25 तक जाने का रास्ता है ही नहीं इधर, तो मैं नहीं जा पाऊँगा उस साइड में, तो मैं जा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 21 के साइड में, और अगर वहाँ कुछ काम हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँगा। हालांकि DMRC इसे इस साल के अंत तक कंप्लीट करने के प्लानिंग कर रही है। अब वो देखना ये है कि ये कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड काम है और इसलिए वीडियो में दिखा पाना कि कितना काम हुआ है और कितना नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, और यहीं पर दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का भी काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो बना दूँगा और आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं द्वारका सेक्टर 21 की साइड में। और गाइस, आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जितनी परेशानी मुझे इस वीडियो को बनाने में हुई है
उतनी वीडियो शायद मुझे फेस फोर को कवर करने में ना हुई हो, क्योंकि वो एक सिंपल सा रास्ता था, लेकिन यहाँ पर मेरे को कम से कम दो ढाई घंटे लग चुके हैं यहाँ पे घूमते हुए। मैं पहले वो आप जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं उस वाले रास्ते से होता हुआ आगे की साइड में चला गया था और वहाँ पर मेरे को मेट्रो का काम देखने को नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि इस साइड पर मेट्रो का काम हो रहा है, तो मैं इस साइड की तरफ आया हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है मेरे को ये इस वीडियो को बनाने में। शायद हो सकता है कि आपको अपने मन के मुताबिक जानकारी ना मिली हो इस वीडियो में, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो और आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने कहा था इसलिए मैं आज संडे वाले दिन आया हूँ यहाँ का अपडेट देने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिला। और अगर आप कोई और अपडेट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो एक्सटेंशन है उसकी वीडियो बहुत ही मुश्किल से बन पा रही है, और ये मुझे पता भी नहीं कि शायद ये मेट्रो का काम है भी या नहीं, क्योंकि जहाँ भी देख रहा हूँ बस दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे के पिलर्स दिख रहे हैं, वहाँ के बोर्ड दिख रहे हैं जे.के. कुमार का, और आगे आपको तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आगे गर्डर्स वगैरह के साथ है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पिलर्स। फिर भी जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो इसका भी अपडेट छोटा सा दे देता हूँ। इस एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है वो 27 किलोमीटर के समथिंग है, जो कि महिपालपुर को गुड़गांव से जोड़ेगा, जिसमें महिपालपुर, द्वारका, बिजवासन रेलवे स्टेशन, पालम विहार और ये खिड़की दौला करके है कुछ जगह, ये सीधा वहाँ की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह रेडी है और मेरे लेफ्ट साइड में पिलर्स वगैरह भी रेडी है। मैं आया था मेट्रो का आपको अपडेट देने, दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का, लेकिन उसका अपडेट मुझे देखने को नहीं मिला। बस एक छोटा सा बैरिकेड देखने को मिला उस साइड की तरफ, और वो भी पता नहीं है या नहीं, लेकिन खैर छोड़ो कोई बात नहीं। आज का दिन टोटली तरीके से ख़राब गया मेरी नज़र से, और आप इसको देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काम हुआ है इधर द्वारका एक्सप्रेसवे का, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े लॉन्चर लगे हुए हैं, जिसके थ्रू एक पिलर को दूसरे पिलर से जोड़ने का काम हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं गर्डर्स लग रहे हैं इस लॉन्चर के थ्रू, और ये ऐसा ही लॉन्चर हमने मजलिस पार्क की साइड में देखा था जो येलो कलर का था, और आप इसको देख सकते हो। और गाइस इसको कहते हैं एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना, इसका जीता जागता उदाहरण यही है। मैं यहाँ पर आया था दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अपडेट देने के लिए, लेकिन उसका कुछ मिला नहीं, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जो आप देख रहे हैं, ये पिलर्स देख रहे हैं, सामने लॉन्चर देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे पिलर्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसी को कहते हैं एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना। आप होमवर्क किसी और का करके जाते हैं, आप याद करके कुछ और जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप कुछ और जाता है, तो ये वही चीज़ है मेरे आज वही चीज़ मेरे सामने आई है। बट मैं भी भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जो क्वेश्चन आया छोड़ना नहीं है, लपेट देना है, तो आज वैसे ही मैं इस एक्सप्रेस वे को लपेट रहा हूँ। और आप इसका अपडेट देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मांग भी की थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का आप मेरे को अपडेट दो, तो लो भाई आपके सामने है द्वारका एक्सप्रेसवे का ये अपडेट। और गाइज अगर मैं इसके टोटल लेंथ की बात करूं तो ये 29.10 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 8,662 करोड़, और इसमें लेंस हैं 8 प्लस में लोकल लेंस के साथ, और इसके जो ओनर है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, और इसका स्टेटस अभी आप देख ही रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसकी जो कंप्लीट होने की डेडलाइन है वो 2022 है, यानी कि 2022 के एंड में हमें ये कंप्लीट होते हुआ नज़र आएगा, यानी कि दीपावली के बाद से। और इसमें टोटल 4 पैकेज हैं, जिसमें से पहले पैकेज में आपको IGI एयरपोर्ट और शिव मूर्ति जो कि महिपालपुर में है, और यानी कि महिपालपुर से बिजवासन रोड तक 0.62-5.30 किलोमीटर तक ये लेंथ जाने वाली है, जिसकी टोटल लेंथ बन जाएगी
5.90 किलोमीटर, जिसके कॉन्ट्रैक्टर है जे कुमार, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होने वाली है वो 1349 करोड़ है। और अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो इस पे सितंबर 2020 से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था। और अगर मैं पैकेज टू की बात करूँ, जिसमें बिजवासन रब टू ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जाएगा, जो कि 5.30 किलोमीटर से 9.50 किलोमीटर तक जाए 50 किलोमीटर तक जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ यहाँ पर ऐड होगी 4.2 किलोमीटर। और इसके जो कॉन्ट्रैक्टर होने वाले हैं वो जे कुमार ही होने वाले हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 1540 करोड़। और अगर मैं इधर पैकेज थ्री की बात करूँ तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज तक जाएगा, जो कि 9.5 किलोमीटर से 19.70 किलोमीटर तक जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 10.2 किलोमीटर। कॉन्ट्रैक्टर और जो इसके कॉन्ट्रैक्टर है वो लार्सन एंड टब्रो है, जो कि एलएनटी है। और उसके बाद इसकी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करूं तो ये 1334 करोड़ की है। और इसके अगर मैं पैकेज फोर की बात करूं तो ये बसई रोप टू खिड़की दोला तक जाएगा, जो कि 19.70 किलोमीटर से 28.5 किलोमीटर तक है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करूँ तो ये 8.8 किलोमीटर तक मतलब जाएगा। और इसका भी कॉन्ट्रैक्टर है वो लार्सन एंड टब्रो है, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1046 करोड़ रुपीस। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से निकला था दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अपडेट देने के लिए, तो ये यहाँ से इस वाले रहा और वहाँ से द्वारका सेक्टर 25 की तरफ मुड़ गया था, लेकिन फिर भी मुझे रास्ते में ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। और मैं ऐसा होते हुए पूरा उधर घूमते हुए जहाँ पे एलएनटी कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ तक गया, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिला, बस एक थोड़ा सा दिल्ली मेट्रो का बैरिकेड दिखा। तो वहाँ पे सोचा कि चलो दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का आपको अपडेट दे देता हूँ, लेकिन पूरा दिन ख़राब करने के बाद भी अगर वीडियो अच्छी ना बने तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जो कि मुझे अभी लग रहा है। और मैं फिर आपको बता देता हूँ गाइस, आज के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं निकला था दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अपडेट देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना उसका बैरिकेड देखने को मिला और ना ही कुछ। हालांकि वो लाइन जो है वो अंडरग्राउंड होने वाली है, और जब अंडरग्राउंड भी है तो उसमें कुछ देखने लायक कुछ है नहीं, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा अपडेट ये द्वारका एक्सप्रेस वे का दिया। तो गाइस यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी वीडियो को एंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और हाँ फ्रेंड, जो आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं उसका ज़रूर मुझे कमेंट करना।